गाइस फाइनली हम लोग के गेम में न्यू बीआर रैंक का सीजन आ गया है और हम लोग भाई लास्ट एपिसोड में हीरोइक रैंक को भी अचीव कर लिए थे और ये सीजन भी हम लोग ग्रैंड मास्टर रैंक को अचीव करने के लिए पूरा सीजन सिर्फ सोलो में रैंक पुश करेंगे। और ये सीजन तो भाई AWM में इंडिया लगाने से हमको कोई भी नहीं रोक सकता, हम खून पसीना एक कर देंगे, लेकिन ये सीजन हम लोग AWM और शॉटगन में इंडिया लगा के रहेंगे। तो चलो जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं। और गाइस ये था आज का हमारा पहला गेम जहाँ पे मैं लैंडिंग करता हूँ पीक में अपनी सप्लाई क्रेट में। और जैसे मैं सप्लाई क्रेट को ओपन करता हूं तो मैं क्या देखता हूं भाई, पीक की छत पे एक एनिमी ने लैंडिंग की और क्योंकि मेरे को एक्समेट मिलती है तो फटाफट से अपनी सप्लाई क्रेट से लूट करके मिनी लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके मैं आ जाता हूं सीधा पीक की छत में। और ये एनिमी ने यहां पे अपने सेंटोनियो कैरेक्टर को एक्टिव किया था और यहां पर मैं 100% श्योर था कि ये जरूर से ऊपर आएगा। और देखो फिर क्या होता है, ये ऊपर आ भी जाता है, एक्समेट का बॉडी बॉडी मार के मैं इसको एलिमिनेट करता हूं। इसके लूट बॉक्स से मेरे को बाइजन मिल जाती है और नीचे लूट क्रेट पे देखता हूं तो एक एनिमी ने अभी अभी लैंडिंग की होती है, बाइजन का बॉडी बॉडी मार के उसको भी मैं एलिमिनेट करता और हम लोग के 2 किल हो जाते हैं। तभी ये पहले वाला एनमी वापस से यहाँ पर लैंडिंग करता है, बाइजन का बॉडी बॉडी एनमी का स्किल ब्लॉक और ये लो भाई, इसी के साथ हम लोग के पीक की छत पे 3 किल हो जाते हैं का हेल्थ भी इंक्रीज होकर 250 का हो जाता है। तो हेल्थ थोड़ी सी कम होती है तो एक मेडकिट लगा लेता हूँ, पत्थर के पीछे एक एनमी फाइट कर रहा होता है, एक्समेट का बॉडी बॉडी मार के उसको एलिमिनेट करता हूँ और इजी पीजी हम लोग की पीक की छत पे भाई बहुत इजिली 4 किल हो जाते हैं। तुम लोग मेरे को कमेंट करके बताओ अपनी सप्लाई क्रेट को लूट करके पीक की छत पे आने वाले आइडिया को तुम लोग मेरा लक बोलोगे या 999 IQ, फटाफट से कमेंट करो। अब क्योंकि भाई 22nd में ऑटो रिवाइवल सिस्टम एंड होने वाला होता है तो मैं पीक की छत से नीचे भी कूद जाता हूँ। भाई एक एनमी निकल के आता है जिसने मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज किया होता है, ये नेडी फेंक रहा होता है भाई बाइजन का बॉडी बॉडी मार के मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ। इसके लूट बॉक्स से लूट करके सामने लैम्बोर्गिनी होती है तो लैम्बोर्गिनी को लेके आ जाता हूँ सीधा अपनी नेक्स्ट क्रेट के पास। अब लूट क्रेट के पास व्हीकल से एग्जिट करता ही हूँ तो देखता हूँ भाई एक एनमी यहाँ पर मॉन्स्टर से अकेला फाइट कर रहा होता है, यहाँ पर वेट कर रहा होता है लूट को मॉन्स्टर ट्रक से ड्रॉप करने की। तो फिर क्या, अपनी सप्लाई क्रेट को ओपन करके एनमी को डैमेज करता हूँ। अब क्योंकि एनमी यहाँ पर वॉल लगा देता है और एनमी से मॉन्स्टर भी फाइट कर रहा होता है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एनमी बहुत ज्यादा डैमेज होगा, तो एनमी के साथ मैं भी यहाँ पे थर्ड पार्टी करता हूँ। लेकिन तभी मॉन्स्टर मेरे ऊपर फाइट करने आ जाता है भाई और जैसे ही मैं अपने व्हीकल को लेकर निकल रहा होता हूँ तो मेरे व्हीकल को भी फोड़ देता है। अब मैं थोड़ा सा बैक फुट लेता हूँ और मॉन्स्टर की रेंज से बाहर आ जाता हूँ, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर फिर जाके एनमी से फाइट करने लगता है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर गेम को होल्ड करता हूँ और मॉन्स्टर एनमी का फाइट हो रहा होता है तो पीछे से एनमी के साथ थर्ड पार्टी करके पहले एनमी को एलिमिनेट करता हूँ और फिर रेड व्हाइट का मिक्सचर कनेक्ट करके बहुत देर तक फायर करने के बाद वेपन को रिलोड करने के बाद फिर से फायर करने के बाद अपने मॉन्स्टर को भी एलिमिनेट कर देता हूँ, मॉन्स्टर की लूट क्रेट से लूट करता हूँ। और यहाँ पर मेरे को मिल जाती है भाई एक लेवल की M1014 यानी कि हमारी शॉटगन। और क्योंकि मेरे को मॉन्स्टर की लूट क्रिएट से यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक भी मिला होता है तो अपने मॉन्स्टर ट्रक को मैं फटाफट से मंगा लेता हूँ, सेफ जोन बहुत ज्यादा दूर होता है तो अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेके मैं आ जाता हूँ सीधा सेफ जोन में। और मेरे पास बहुत सारे FF कॉइन होते हैं तो इधर से होलोजाइन निकालने का ट्राई करते हैं क्योंकि होलोजाइन बहुत ज्यादा हेल्प करता है लास्ट जोन में। और इधर से बहुत इजीली हम लोग के ऑलमोस्ट 1400 FF कॉइन में होलोजाइन निकल भी जाता है। अब अभी तक हम लोग को AWM नहीं मिली होती तो अपने मॉन्स्टर ट्रक को लेके मैं वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ, वेंडिंग मशीन से स्नाइपर को निकाल के सीधा जाता हूँ सेफ जोन के अंदर। जैसे पहाड़ के पास गेम को होल्ड करने आता हूँ तो एक एनमी दिखता है, अब क्योंकि उसको मॉन्स्टर ट्रक से डैमेज नहीं होता तो जंप करके ड्रोन को एक्टिव करता हूँ। वेट, यहाँ पे शॉटगन रिकॉल हो गई। ओके, यहाँ पे ड्रोन ने एनमी को हिट किया, मेरे को एनमी की लोकेशन पता है। ओके, डैमेज, चलो इसी के साथ हम लोग के भाई 7 किल हो जाते हैं ये गेम में और ये गेम में ना हम लोग के हाईएस्ट किल होते हैं। लूट बॉक्स से लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा घर के पास क्योंकि इस घर में होता है सेफ जोन और सामने वाले येलो हाउस पे एक एनमी होता है। ओके, उसने विंडो से जैसे ही जंप किया होता है 159 का एक शॉट कनेक्ट करता हूँ और हम लोग आ जाते हैं सीधा लास्ट वाले जोन में। विंडो के पास एक एनमी है, लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव है। वेट, सेफ जोन भी श्रिंक हो रहा है। ओके, यहाँ पे एनमी ने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया तो फटाफट से एक सुपर मैट किट लगा लेते हैं। जस्ट लास्ट के 2 ही एनमी अलाइव है और ये दोनों के पास सेफ जोन है, एक मैं ही सेफ जोन के आउटसाइड हूँ। ओके, एनमी ने फिर से बहुत ज़्यादा डैमेज कनेक्ट कर दिया। ओके, 159 का एक शॉट कनेक्ट किया। वेट, उसने ग्लोअर लगा दी, हम लोग यहाँ पे हील अप कर लेते एंड यहाँ पे 3 ग्रेनेड है तो उसकी वॉल पे। ओके, वेट, ग्रेनेड तो मिस है, वॉल मेल्टर मारते हैं उसकी ग्लूअल। ओके, प्रोटेक्शन वाली वॉल है। वेट, लास्ट वाला एनमी भी आ गया है बॉक्स के पास, शॉट मिस। ओके, डैमेज। वेट, ये क्या था भाई। ओके, वेट, लास्ट वाला। ओके, हम लोग को रिवाइव तो यहाँ पे नहीं मिलता है बट तुम लोग यहाँ पर नोटिस करना
एनमी मेरे से फाइट कर रहा है और यहाँ पर वो मेरे को भी वन टैप लगाता है और लास्ट वाले एनमी को भी पता नहीं कैसे एलिमिनेट करता है। हम लोग को 39 का प्लस मिलता है और स्नाइपर का और शॉटगन का बहुत कम ग्लोरी मिलता है। देन हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में और अभी तक हम लोग के 0 किल होते हैं लेकिन स्टिल हम लोग को अपना दोनों फेवरेट वेपन मिल जाता है। वेट एनमी ये मॉन्स्टर ट्रक सॉरी यहाँ पर टुक टुक लेके निकल रहा है। ओके डैमेज रेंज से बाहर निकल गया एनमी। ओके ये अगेन से हमसे फाइट करना चाहता है। चलो टुक टुक में एनमी को एक शॉट कनेक्ट हुआ है। वेट इसका टुक टुक बहुत ज़्यादा डैमेज है। चलो इसका टुक टुक फूट गया, इसने वॉल लगाई है तो अपने ट्रक को लेके चलते इसकी वॉल के पास। ओके डैमेज 127 का सोनिया एक्टिव और ये लो भाई हम लोग का पहला किल भी हो जाता है स्नाइपर से और सेफ जोन कवर कर रहा होता हूँ कि एक और एनमी आता है भाई हम लोग से फाइट लेने। ओके एक शॉट कनेक्ट है स्नाइपर का 127 का, शॉट मिस। चलो एक और शॉट कनेक्ट और इसी के साथ हम लोग के स्नाइपर से 2 किल भी हो जाते और हम लोग आ जाते सीधा ऑलमोस्ट लास्ट वाले जोन में। अभी तक हम लोग के 2 किल हुए होते और भाई ये बैल्कनी वाला ग्लिच इतना ज़्यादा बुरा लगता है ना, मतलब पूरे हेड पे एम है लेकिन सीरियसली उसको अगर मैं शॉट कनेक्ट कर दूंगा ना उसको डैमेज नहीं आएगा क्योंकि साइलेंसर नहीं होता तो मैं तुम लोग को एग्जांपल नहीं दिखा सकता। तो वेट करते इसके खड़े होने का और ओके वेट चलो खत्म। इसी के साथ हम लोग पूरा एम मिला के स्नाइपर से 2 बॉडी शॉट और 1 हेड शॉट भी कनेक्ट कर लेते। कैनमी के फुट आ रहे। ओके इसने यहाँ पर ऊपर फ्रीज फेंका है, मतलब ये जो क्या बोलते हैं इसको फ्रीज लन जो भी बोलते हैं। ओके एनमी ने रश किया शॉटगन का बॉडी बॉडी एनमी बहुत ज़्यादा डैमेज है और ऑरिन बन गया। शॉटगन रिलोड करते वेट इसने पैक कर लिया, ग्रेनेड मारते अंदर और बाहर से हम लोग अपनी ग्लो लगाते एनमी का स्किल ब्लॉक। ओके इसने विंडो से जंप किया बॉडी बॉडी और ये लो भाई शॉटगन से भी हम लोग का पहला किल हो गया देखते ही देखते। ओके वहाँ सामने फाइट हो रही है। चलो एक शॉट तो कनेक्ट किया, उधर एक का सोनिया एक्टिव है। ओके लास्ट के 5 ही एनमी लाइव है, वो जंप करेगा। ओके वेट यहाँ पे शॉट नहीं कनेक्ट हुआ, उसको किसी और ने एलिमिनेट कर दिया। तो फटाफट से हम लोग आ जाते हैं सीधा एकदम 0 जोन में और लास्ट के 3 ही एनमी लाइव है। ओके एक एनमी वुकोंग बन के आ रहा है, डैमेज चलो ख़त्म, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है तो जल्दी जल्दी एक सुपर मैट किट लगा लेते। लास्ट के 2 ही एनमी लाइव है तो शॉटगन भी रिलोड कर लेते। ओके यहाँ पे एक और एनमी, ओके ये नेड मार रहा है, वॉल लगाई, चलो भाई इसके साथ मोई मोई हो गया, ये यहीं पर ही शायद। ओके वेट इसके पास MP40 है। ओके डैमेज सोनिया एक्टिव ख़त्म, लास्ट का 1 ही एनमी लाइव है, नेड ना मारे तो हमने ऊपर भी एक वॉल लगा दी और इधर पे जल्दी जल्दी एक सुपर मैट किट लगा लेते। आई थिंक सो लास्ट वाला एनमी हम लोग के साथ टीम अप कर रहा है तो अपनी वॉल को जल्दी से खोलते वेट करते। हाँ ये रहा लास्ट वाला एनमी, तुम लोग को दिख रहा होगा ये पैन चला रहा है, आई थिंक सो ये मेरा फ्रेंड है। वेट इसने यहाँ पर सारी वेपन ड्रॉप की है, मेरे को इस पर थोड़ा कम भरोसा है, इसके पास छोटे वाली वेपन भी हो सकती है। ओके ये इमोट कर रहा है तो हम लोग अपनी सारी वेट भाई वेपन ड्रॉप की तो इसने वेपन उठा ली। ओके ये कुछ मांग रहा है शायद, ओके ये फाइट करना चाहता है 1-on-1, आई थिंक ये हमारा सब्सक्राइबर है, पता नहीं फ्रेंड लिस्ट का है या कौन है। सो एक ग्रेनेड हम लोग इसके ऊपर मारते। ओके वो वन टैप लेने का ट्राई कर रहा है, 80 का डैमेज है, फ्लैश फ्रीजर भी मारते हैं, पता नहीं कैसा फ्लैश फ्रीजर है। ओके उसने भी नेड मारा, वेट भाई 100 प्लस डैमेज कर दिया तो जल्दी जल्दी सुपर, वेट इसने पूरा रश ही कर दिया। एनमी का स्किल ब्लॉक शॉटगन रिलोड कर रहा है, शॉटगन का बॉडी बॉडी और इसी के साथ भाई 7 किल के साथ हम लोग ये अलग गेम बोया करते हो, मेरे को 44 का प्लस मिलता है और ये गेम में ना हम लोग को भाई स्नाइपर और शॉटगन का पूरा 100 ग्लोरी मिलता है ये सीजन का फर्स्ट टाइम। देन हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में, यहाँ पर मैं अपना सप्लाई क्रेट पहले देखो कितने मज़े से लूट कर रहा होता हूँ। सडनली एक एनमी पीछे से इतना ज़्यादा डैमेज करता है, अब मैं अपना व्हीकल को लेके यहाँ से निकल रहा होता हूँ सुपर मेडकिट लगा के, तभी मेरे को ध्यान में आता है कि भाई मैंने अपना रीसप्लाई क्रेट तो लूटा ही नहीं होता है नेक्स्ट वाला। देन मैं वापस से अपनी रीसप्लाई क्रेट पे आता हूँ और यहाँ पर अपने रीसप्लाई को जैसे ही लूट के अपने व्हीकल पे एंटर करता हूँ तो भाई ये कितनी जल्दी से मेरा व्हीकल एकदम से फोड़ देता है। अब जंप करके मैं एक वॉल लगाता हूँ। ओके 18 वेट यहाँ पर कवर में आने के बाद भी पता नहीं कैसे ही मेरे को एलिमिनेट करता है, मेरा 18 का माइनस होता है। देन मैं सीधा नेक्स्ट गेम में आ जाता हूँ, लास्ट के 18 एनमी लाइव होते हम लोग के 0 किल होते। वेट यहाँ पे फाइट हो रही है। ओके डैमेज चलो MP5 का बॉडी बॉडी और इसी के साथ हम लोग का पहला किल भी हो जाता है। इसके लूट बॉक्स पे कुछ खास लूट तो हम लोग को नहीं मिलती है बट इस वाले एनमी के लूट बॉक्स पे बहुत सारी लूट है और वेंडिंग मशीन से फटाफट से हम लोग स्कोप और इधर से स्नाइपर तो परचेस कर लिए। वेट वॉल के पास एनमी है, ड्रोन को एक्टिव करते हैं। ये जूतों का क्या काम है? ओके मेरे ड्रोन ने एनमी को हिट किया, जूते से क्या होता है पता नहीं। इधर जूते हम लोगों ने खरीद लिए,
ओके ये क्या था भाई, ये थोड़ा सा उड़ा, वेट याली ग्लोअल ब्रेक करते, ओके डैमेज उतना ही डैमेज हुआ है और उतना ही डैमेज मैं हूँ, एनमी का स्किल ब्लॉक है, ओके शॉट मिस, एलिमिनेट तो स्नाइपर से ही करूँगा, और ये लो भाई मुझे अपनी स्नाइपर पे इतना तो कॉन्फिडेंस है, अब कोई तुक्का नहीं बोलेगा ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं फार्म के छत के ऊपर, सामने बहुत खतरनाक ही वाला फाइट हो रहा है, इससे देखो कैसे स्कोप इन कर रहा है, चलो ख़त्म भाई, पूरा रेड नंबर ही इसको कनेक्ट होता है और हम लोग के 3 किल हो जाते हैं, और हम लोग की स्नाइपर में बहुत कम ही एमओ है, तो हम लोग इधर से ग्रोजा एक्स ले लेते हैं, उन दोनों का फाइट हो रहा है, ओके थर्ड पार्टी करके 1 किल तो ले लिया हम लोगों ने, लास्ट का एक एनमी अलाइव है, आई थिंक उसका सोनी एक्टिव है, उधर उसने दिमित्री चालू किया है, जल्दी से हम लोग वॉल लगा के यहाँ पे एक सुपर मैट किट लगा लेते हैं, हम लोग के 4 किल हो जाते हैं, वेट करते ये एनमी का मेरे को इसकी लुक, ओके निकला डैमेज, वेट एनमी का स्किल तो आई थिंक ब्लॉक है, सो वेट करते इसके बाहर निकलने का, इसने पैक कर लिया, जितने भी ग्रेनेड है सब फेंक देते हैं भाई, कोई तो फूटेगा अंदर जाके, वेट उसने ग्लू, चलो ख़त्म, उसने ग्लूअल तो खोली लेकिन ग्लूअल खोलने से पहले ही वो एलिमिनेट हो गया, एंड हम लोग एक और गेम बोया करते हैं भाई 5 किल के साथ, और हम लोग को 41 का प्लस मिलता है, देन नेक्स्ट गेम भी हम लोग को 22 का प्लस मिलता है, फिर मैं अगेन से अपनी सप्लाई क्रेट पे लूट करता हूँ, आई मीन जंप करके लूट करता हूँ, अब यहाँ पे लूट करता हूँ तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए चालू करता हूँ क्योंकि यहाँ पे एनमीज ने लैंडिंग की होती है, एक एनमी को स्पॉट करता हूँ, ओके एनमी का स्किल ब्लॉक है, ओके विंडो से जंप कर रहा है, डैमेज चलो ख़त्म, एक और एनमी है तो पहले इसके लूट बॉक्स से मैट किट लगा लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इसने डैमेज कर दिया, इधर से हम लोग घूम के आ जाते हैं एनमी के पास, ओके शॉट मिस, वेट भाई उसका हेड कनेक्ट हो गया, तो सीधा सीधा रश कर रहा है, वेट ओके डैमेज, अभी तुम लोग देखो मैं कवर में आ जाता हूँ लेकिन फिर भी मैं एलिमिनेट हो जाता हूँ, देन यहाँ पे मैं लॉन्च पैड का यूज़ करता हूँ क्योंकि ऊपर एक एनमी होता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्रैश लैंडिंग करता हूँ, ओके एनमी वेट डैमेज एनमी, ओके स्किल ब्लॉकर से उसको एलिमिनेट कर दिया, कवर में चल के जल्दी से हम लोग हील अप करते हैं भाई, और हम लोग के 2 किल तो हो जाते हैं, और ये देख रहे हो भाई मेरे लूट बॉक्स से लूट कर रहा है, वेट ओके हेडशॉट भाई, एकदम खड़े होके लूट कर रहा होता है, और हम लोग को स्नाइपर का भी अब ये गेम में प्लस तो मिल जाना चाहिए, लास्ट के 2 एनमी अलाइव है, ओके इन लोग का फाइट हो रहा है, डैमेज वेट उसने ग्लूअल तो लगाई लेकिन उसकी ग्लूअल स्लिप हो गई, अब लास्ट का 1 एनमी अलाइव है तो नीचे जंप करते हैं, उसको देखे ना जल्दी से हम लोग हील अप कर लेते हैं, और हम लोग आ जाते हैं लास्ट वाले एनमी के पास, मेरे पास 2 ग्रेनेड है तो हम लोग ग्रेनेड मारते हैं, ओके वो भी ग्रेनेड कुक कर रहा है, वेट ओके उसका ग्रेनेड, ओके मेरे ग्रेनेड से डैमेज तो आया लेकिन उसने कितने सारे ग्रेनेड इधर मार दिए, सो इस वाले एनमी को भी स्नाइपर से एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं, एनमी का स्किल तो ब्लॉक है, वेट ओके शॉट मिस, वेट ओके डाउन भाई, क्या था ये, इसके पास हॉर्लस आइन था और हम लोग के साथ प्रैंक हो जाता है ये गेम में तो यार, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं गाइस, उधर कैमरा होता है तो हम लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली खेलते हैं, देन हम लोग आ जाते हैं सीधा नेक्स्ट गेम में, ओके एनमी फाइट कर रहा है व्हीकल से डैमेज, शॉटगन का बॉडी, एंड हम लोग बाहर निकल के आते हैं तो भाई यहाँ पर ये एनमी देखो कितना गंदा स्पैम मारता है भाई M24X का, सीरियसली भाई आज मेरे को यकीन होता है कि M24X भी वेपन बहुत बढ़िया चलती है, तब खतरनाक वाला स्पैम मारता है, अब हम लोग को 2 स्टार की थोड़ा सा प्लस चाहिए होता है, तो थोड़ा सा प्लस करके भी हम लोग 2 स्टार को भी अचीव कर लेते, दैट्स ऑल आज की वीडियो में इतना ही था, आप लोगों ने वीडियो को अगर यहाँ तक वॉच किया है तो आप लोग का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोग को थैंक यू, एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, और मैं सोच रहा हूँ यार हम लोग डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करें कुछ टाइम के लिए, तो आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को आइडिया कैसा लगा, हम लोग को डेली वीडियोस अपलोड करनी चाहिए कि नहीं। बाय बाय टाटा गुड बाय।